आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के बारे में। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर ये क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, कौन से मेटल का ये बना होता है और किसी भी गियर का जो टीथ यानी जो दांता होता है इस वर्नियर कैलिपर से उसका साइज कैसे लिया जाता है, तो कंप्लीट इस वीडियो इस टॉपिक में सीखेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ये आपको जो नजर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम बोलते हैं गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो देखिए, फ्रंट जो व्यू है इसका ऐसा होता है और इसका बैक साइड आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बैक साइड से इस तरीके से बना होता है। तो आइए अब जानते हैं कि गियर टूथ जो वर्नियर कैलिपर है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किसी भी गियर का जो टीथ होता है उसकी मोटाई और उसके एंडेंडम को चेक करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है ये आपका निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है और इसका जो सिद्धांत यानी जो प्रिंसिपल होता है वो होता है दो अनुरूप स्केल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो देखिए, इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सामान्य जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसी तरीके से इसकी जो रीडिंग है वो पढ़ी जाती है। तो देखिए, इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है आपका, इसके मेन जो पार्ट यानी जो भाग है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी ये जो जा है इसको हम फिक्स जा बोलते हैं। देखिए, फिक्स है ना यहाँ से, तो देखिए फिक्स है और ये कौन सी है, मूवेबल जा। ठीक है, फिक्स जा, मूवेबल जा और दो यहाँ पे रीडिंग लॉकिंग स्क्रू है। रीडिंग को लॉक करने के लिए ये दोनों जो स्क्रू है इनका प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे एक लगा हुआ है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है ना, जो कि जो रीडिंग हम लेते हैं तो यहां से भी हम उस रीडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, दो ग्रेजुएशन इसके ऊपर हैं। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले को वर्नियर स्केल। ठीक है ना, जिसपे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये क्या आपकी वर्नियर स्केल और नीचे वाली क्या है आपकी मेन स्केल। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से इसका इस साइड के अंदर भी बना होता है। तो देखिए, इसमें ये पूरी की पूरी क्या है, मूवेबल स्केल है, ये जा नहीं है, क्या है, मूवेबल स्केल। इस स्केल के ऊपर भी देखिए दो यहाँ पे रीडिंग लॉकिंग स्क्रू लगे हुए हैं और इस साइड के अंदर क्या है, ये भी आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे देखिए जो रीडिंग जो दी गई है, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये कौन सी स्केल है, ये आपकी वर्नियर स्केल है और नीचे वाली कौन सी है, ये आपकी ये वाली, ये है मेन स्केल। दोनों सेम ही पढ़ी जाती है क्योंकि दो साइज हम इस गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से लेंगे। एक तो हम टीथ यानी जो दांता है उसकी हमें मोटाई चेक करेंगे, दूसरा हम रीडिंग कौन सी चेक करेंगे, उसका जो टीथ का जो एंडेंडम जो है वो इस कैलिपर के द्वारा चेक किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस कैलिपर के द्वारा किसी भी गियर का जो टीथ होता है उसका साइज इस कैलिपर से कैसे लिया जाता है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैंने एक सपर गियर यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके जो टीथ जो बने हुए हैं, जो दांते जो बने हुए हैं, इनका साइज है वो कैसे चेक किया जाता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से। तो देखिए, गियर मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो कैसे लगाना होता है इसको, तो देखिए ये जो जा जो है, तो इस तरीके से ये जो टीथ जो है आपका इस तरीके से, जूम करेंगे हम इसको, तो देखिए इसके अंदर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो गियर टूथ जो वर्नियर कैलिपर मैंने लगाया हुआ है ये इसके एंडेंडम के ऊपर लगाना है, न कि इसके डिडेंडम पे। एंडेंडम किसको बोलते हैं, जो आपका पिच सर्कल होता है। ठीक है ना, तो देखिए पिच सर्कल कहाँ पे है, यहां पे है, इस टीथ के ऊपर क्या है आपका पिच सर्कल। पिच सर्कल के बिल्कुल जहां पे इसका पिच सर्कल होता है वहीं तक आपको ये वर्नियर कैलिपर लगाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज लिया जाता है। तो देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो रीडिंग है यहाँ पे, इसको एक बार यहाँ से लॉक करना है। उसके बाद में देखिए ये जो टेपर सा बना हुआ है इसको ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, तो देखिए हो गया ना। अब इस यहां से जो लॉकिंग स्क्रू, इसको हम लॉक कर देते हैं और आइए पढ़ते हैं इसके ऊपर जो रीडिंग जो दी गई है वो कितनी है। तो देखिए अब इसकी रीडिंग जो है हम देखेंगे कि भी कितना इसका साइज है वो खुला हुआ है। देखिए ये वाली जो रीडिंग है वो क्या शो करेगी, टीथ की मोटाई यानी थिकनेस चेक करेगी। ठीक है ना, थिकनेस चेक करेगी। तो देखिए थिकनेस कितनी है इसकी,
तो देखिए ये आपकी कौन सी है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं आपकी वर्नियर स्केल। और नीचे वाली कौन सी है, मेन स्केल। तो देखिए मेन स्केल पे हम एमएम पढ़ते हैं, पहले कितने एमएम खुले हुए हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 एमएम आपके क्या हैं, ऑलरेडी कंप्लीट खुले हुए हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसे 4, फिर पॉइंट। अब आपको एक ऐसी रेखा ढूंढनी है जो कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बिल्कुल एक सीध में होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 वाली जो लाइन है, ये वाली 2 वाली, तो बिल्कुल एक सीध में है, ठीक है ना। तो देखिए 0 से लेके 2 के बीच में कितनी लाइन है, 10 लाइन है। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.02 से, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 20 mm। तो ये क्या हो गया, टीथ की क्या हो गई अब थिकनेस। तो आइए पढ़ते हैं इसके एंडेंडम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए इसमें ये आपकी कौन सी है, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल के कितने भाग खुले हैं, 1 mm, 2 mm और 3 mm। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 mm, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पॉइंट। अब पॉइंट में एक रेखा ऐसी मिलेगी जो कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के एक सीध में मिलेगी। तो देखिए आपको नजर आ रही होगी लाइन कोई, देखिए 7 वाली, कौन सी लाइन है, ये वाली। तो देखिए 0 से लेके 7 के बीच में कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, 35 लाइनें हैं। 35 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.02 से करेंगे, तो कितना हो गया आपका, 70। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे जो है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग है वो पढ़ी जाती है, रीड की जाती है। फिर भी प्रिय विद्यार्थियों इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।